हमरा तो 10 साल उम्र हुआ जेखन से हम काम कर रहे हैं। 7 साल हुआ हमरा जन्म से कर बाद ने हमार कुड़ी चलाने शुरू की और जंगल ने हम सर्वे किए 5,500 फीट। अच्छा अच्छा चले हैं, एक एक पत्ता तोड़ते 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 हम चल गए हैं हथबोरा तक चित्तो से आगे, और उसी के तोड़ते तोड़े फिर हम गाय घाट चलाए। तीनों टुली के बैठाए, बैठा के एक साथ विचार किए कि चलिए इसको श्रमदान से काम करेंगे और इसको बांध बांधेंगे। 61 में शुरू किए और 97 में 9 साल में बनाने में शुरू किए और अच्छा। बांध जतना जो बनाया 3 ठो बांध जमीन बना और 3 ठो बांध में पानी रखे हैं और 5 गो तालाब बनाए हैं और अपना निजी हम 10 गो कुआं खोदे हैं। ये बांध नहीं बना था, नहर जिस समय आप नहीं बनाए थे तो उस समय क्या लोग मजदूरी वगैरह करने के लिए यहाँ से बाहर भी जाते थे? बहुत बाहर जाते हैं, आसाम भी चल जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बहुत लोग बाहर चल जाते थे। चलते करते करते हम 100 मन तक आदि लगा देते। अच्छा हाँ। अभी क्या लगा रहे हैं? अभी तो बहुत ही चीज लगा रहे हैं, मगर इतना हम यहाँ चलाने के बाद थोड़ा सा दूसरा को जहाँ जहाँ खेती नहीं होता है उसी गाँव में जाने। अच्छा, 7 गाँव में खेती करते थे। 7 गाँव में? हाँ, दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। जोन जब नहीं होता है उसी जगह, और एक साथ बैठाना उठाना चलाना। खुरहा टोली ने 67 ने इतना काल हो गया, 100 प्लान बाहर जाने चाहता है। अच्छा। तो हम कहे कि देखो बैल बकरी हरा जाएगा, आप मत जाइए, खेत के तैयार करिए, 250 एकड़ को तैयार करवाइए और खाद बीज और मिशीन हम दूठ दिए। गाँव आया सुधीर प्रसाद डीसी था, आया और कहा कि आप क्या चाहते हैं अपना लिए बताइएगा। तो हम कहें कि देखो एक हमको अस्पताल दे दीजिए, कहा कि वो तो समीक हो गया। तो हम कहें कि एक स्कूल दीजिए, वो भी समीक हो गया। तो अपना लिए सोचे, तब हम कहें कि ऐसा एगो हमको मंदिर दीजिए कि दिन ना रात पूजा करेगा। तो वो भगवा गया, कैसा मंदिर बनाएगा दिन और रात पूजा करेगा? तो कहेंगे आप ही बताइए। तो हम कहेंगे 300 लंबा 300 चौड़ा अपना निजी जमीन में तालाब दीजिए और 12 फीट गड्ढा तालाब। हाँ अच्छा। तो गांव का जो युवा लोग हैं वो लोग भी खेती बाड़ी कर रहे हैं? सब मिलजुल के करते हैं, कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जो वर्गी चौरा ने जो जिसका जमीन नहीं है उसके लिए हम अपना मीटिंग करके जिसका जमीन है उसको जमीन दे देते हैं घर में गर्मा खेती करने के लिए, करके अपना एक साथ हम जुड़ने के लिए उन सबको भी जमीन देते हैं और एक साथ खेती करवाते हैं। तो अभी धर्म ने बांट दिया, किसको जात ने बांट दिया, किसको पार्टी ने बांट दिया। चलाने का तरीका अभी तक सभी किसी का दिल में नहीं है। लोग यहाँ से बाहर चले जाते थे मजदूरी करने, अब वो खेती कर रहे हैं। तो उसी तरह एक इलाका तो आप बना दिए, एक जो संदेश देना था लोगों को दे दिए। राज्य का जो दूसरा इलाका है जहाँ से रोज खबर आती है कि भूखमरी है, अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, तो क्या लगता है कि लोग कैसे खुद इसको चाहेंगे तो बदल सकते हैं, खुद घर बना सकते हैं? देखिए, जब तक गांव से पहला हथियार एक साथ बैठना, बात विचार करना, ये हफ्ता का किए और हफ्ता का करेंगे और कैसे हम गांव घर के एक साथ जुड़ेंगे। डैम है, बांध है, वर्षों से जो है चला आ रहा है, अधूरा है, पड़ा हुआ है, योजना फेल हो जाती है। आप कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने ये सब कैसे कर दिया? खाल नहीं होना चाहिए, पुरखों से सीखे। हाँ, पुरखों से। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि जो चीज हम लोगों के पुरखों ने सिखाया और अब सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, इंजीनियर है, संसाधन है, मशीन है, सब कुछ है, तो पुरखों की जो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए और दोनों मिल बैठ के अगर कोई योजना बना दें, कोई प्लान बना दें, तो नहीं लगता है कि वो और ज़्यादा सक्सेस होगा, और सफल होगा? देखिए, एक बात हमको अब अनुभव लगता है, भूलोक बनना सारा योजना बनता है बैठ के, भूलोक नहीं, गांव में बैठ के बनना चाहिए, गांव में बनना चाहिए।
कहाँ बांध बनाना, कहाँ नहर बनाना, कहाँ जमीन बनाना, बोलो ना तो जमीन नहीं आया है, है तो जमटुली जमटुली ने जमीन है, बोलो ना तो नहीं है, बिड़ोन तो बिड़ोन है। से ले सारा योजना जरूर मिलजुल के सरकारी स्टाफ और गांव वाला मिल के करेगा, एक साथ तो बैठकर जरूर झारखंड बदलेगा। कभी सूखे से जूझता झारखंड, तो खबरों में आती बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं। दशकों बीत गए, योजनाएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। दैनिक जागरण ने पिछले साल यह सवाल उठाया था कि और कितना वक्त चाहिए झारखंड को। इस बार जब हम अपने अभियान के दूसरे चरण में पहुँचे और गांव, कस्बों, शहर की जमीनी तस्वीर देखी, तो यह सवाल निकल कर आया, अब क्या करना चाहिए झारखंड को। वाकई झारखंड में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसी झारखंड में सिमोन उराव जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने अपने बूते, अपनी सूझबूझ से लोगों को जोड़कर इलाके की तस्वीर बदली है। जागरण की टीम आज बेड़ो के इन इलाकों में है। हमारे साथ दैनिक जागरण के वरीय समाचार संपादक मुकेश भूषण जी, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट विनोद श्रीवास्तव जी हैं, सिमोन उराव जी हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज करीब 7-8 किलोमीटर के क्षेत्र भ्रमण के बाद और सिमोन उराव जी के कार्यों को देखने के बाद इन्होंने क्या पाया। मुकेश जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा जब उन्होंने गांव की इस बदली हुई तस्वीर को देखी। इस पूरे क्षेत्र को देखने के बाद और सिमोन उराव जी से मिलने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस क्षेत्र के लिए इनका योगदान वही है जो राजेंद्र सिंह जी का राजस्थान में है। राजेंद्र सिंह जी को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। सिमोन उराव जी के काम को लेकर काफ़ी सराहना हुई है, इनके ऊपर रिसर्च भी किए गए हैं और विदेशों से भी आकर इन पर PhD किए जा चुके हैं पहले से। यहाँ आकर जो सीखने वाली चीज़ है वह यह है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रकृति और समाज और पूंजी तीनों का समन्वय अगर हो तो हम डेवलप कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। हालांकि इस इलाके में पूंजी ज़्यादा नहीं है और पूंजी की कमी है, बावजूद उस कमी को यहाँ की सामूहिकता से पूरा करने का प्रयास करते हुए सिमोन उराव जी और इनके गांव के और आसपास के कई गांवों के लोगों ने मिलकर एक विकास की जो एक स्वदेशी अवधारणा को मूर्त रूप करने का काम ये कर रहे हैं। ये विकास की इस अवधारणा को और मजबूत कर रहे हैं कि अगर प्रकृति समाज के साथ अगर पूंजी का भी समन्वय हो जाए तो समाज स्वतः विकास कर सकता है। इसके लिए कहीं से किसी आयातित मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समाज को। अभी आपने सुना कि दैनिक जागरण की जो टीम यहाँ पर आई है, आपके कार्यों को देखा, आपने जो कुछ किया, एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि आपके पास पूंजी नहीं है, लेकिन प्रकृति ने जो आपको पूंजी दी उसको आपने करके दिखाया कि उससे कैसे पूंजी बनाई जा सकती है। आपका क्या मानना है? ये तो सही है का कि देखिए, हम जैसे जैसे काम स्टार्ट किए तैसे पूंजी के लिए हम भी सोचे थे, कैसे कर 30-40 आदमी को
एक जगह सामूहिक खेती बंजर जमीन को बनाए हैं और हम यहाँ खेती कर रहे थे और 500 मन धान हम पूंजी कमेटी के लिए रखे थे और 50-60 हज़ार भी रखे थे, मगर तीन धाम बांध टूटने के बाद हम कुछ पूंजी के यहाँ लगा दिए। गरीब जनता रुकाड़ी खटने आता था, उस सबको हम सब उस सबको बराबर पैसा और धान देते थे शेखर से, और अखन दोबारा पूंजी को भरने नहीं सके हैं, कुछ कम हो गया है। अभी भी 250-200 धान था, मगर अब धान नहीं लेकर हम किसान लोग को कभी कभी देते हैं तो बहुत लोग किसान लोग के बीमार से चाहे हर बरस से लौटाने नहीं सकता है, तो एक एक दो आदि का हम 17,000 माफ कर एक एक जन के कर दिए हैं। सेल पूंजी हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। काली की शादी में हम किसी को लड़का चाहे लड़की के शादी रहता है तो 5 मन चावल देते हैं और 10,000 रुपया देते हैं। गांव घर का कोई आयत लचार रहता है उस सबको तो नहीं घुराने सकता है, तो कभी कभी हम माफ़ कर देते हैं सबको, और जो आदमी घुराने सकता है तो उससे सूद सवाई नहीं लेते हैं, खाली मोर धान लेते हैं, पैसा धान दियो। विनोद जी, आपने सिमोन उराव जी का एक काम देखा है अभी अभी, जो डूब क्षेत्र था वो खेत में परिणत हो गया, वहाँ खेती होने लगी। इसके साथ साथ इन्होंने कोशिश की कि बांध के किनारे किनारे पेड़ लगाते चले गए, इससे मतलब कि बांध का जो जनरली जो कटाव होता है उससे भी राहत मिली। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि इन्होंने जो एक उदाहरण दिया है इस बेरो प्रखंड के इस गांव में जहां अभी हम लोग खड़े हैं, कि अगर एक लोग भी चाह ले और उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, सही तरीके से काम करें, तो गाँव की दशा बदल सकती है, और अगर गाँव की दशा बदलेगी तो निश्चित है कि राष्ट्र की भी दशा बदलेगी। तो ये सिमोन उराव जी दैनिक जागरण की टीम के साथ आज थे और इन्होंने बताया कि झारखंड बदल सकता है। बेड़ों के इस इलाके की एक ये छोटी सी पानगी है जिसको हम एक सैंपल के रूप में ले सकते हैं। जब बात अब क्या करना चाहिए झारखंड को आती है तो सिमोन उराव जैसा व्यक्तित्व सामने खड़ा होता है, उसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, वह इसी राज्य में है। झारखंड को और दूसरे क्षेत्रों में भी क्या करना चाहिए यह जानने के लिए हमारी टीम अब चल रही है दूसरी जगहों पर।